Good morning, students. Today we will discuss about the adaptive radiation in mammals. स्तनधारियों के अंदर अनुकूली विकिरण है, ये अपना टॉपिक है आज जिसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे. तो हम जानते हैं, हम शुरू करते हैं अडेप्टिव रेडिएशंस. अडेप्टिव रेडिएशंस का मतलब होता है एक तरह से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी किसी एक प्रजाति का विभिन्न आवासों में रहने के कारण उसमें नई प्रजातियों का नई विविधता, इतनी ज्यादा विविधता उत्पन्न हो जाना कि उससे नई प्रजातियां बन जाती हैं, उन्हें अडेप्टिव रेडिएशंस कहते हैं. तो अगर मैमल्स की बात करें तो प्रथम प्रकार के जो मैमल्स हैं, स्तनधारी हैं, वो ट्राइसिक एरा में उत्पन्न हुए ऐसा माना जाता है. जो थेरेपसिड्स जैसे सरीसृप थे, थेरेपसिड इनके एंसेस्टर थे, थेरेपसिड से ही जो मैमल्स हैं वो उनका विकास हुआ. ट्राइसिक युग के अंत में और जुरैसिक युग के प्रारंभ में जब डायनासोर विलुप्त तो हो गए तो छोटे आकार के जो रेप्टाइल्स थे वो शेष बच गए, जिनसे बाद में जाकर के स्तनधारी विकसित हुए. क्रेटेशियस काल के अंदर प्रारंभ में प्लेसेंटल स्तनधारी मार्सुपियल स्तनधारियों से भिन्न हो गए, अलग अलग हो गए, दोनों ब्रांचें अलग अलग हो गई, यानी मार्सुपियल्स मेटाथ्यूरियंस बन गए और जो प्लेसेंटल स्तनधारी हैं वो उनसे यूथीरियन बन गए. ओलिगोसीन काल में स्तनधारियों के सर्वाधिक गण उत्पन्न हुए, सबसे ज्यादा ऑर्डर्स उत्पन्न हुए, जो विलुप्त डायनासोरों के द्वारा खाली किए हुए जो इकोलॉजिकल निच हैं, पारिस्थितिक आवास हैं, उनमें स्थापित हुए. तो यदि अनुकूली विकिरण की परिभाषा देनी हो तो किस प्रकार से दें कि किसी एक पूर्वजीय जाति से भिन्न भिन्न रूपों का विकास जो भिन्न भिन्न आवासों में बस जाने के कारण होता है उसे अनुकूली विकिरण कहते हैं, या दूसरे शब्दों में उसे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं, अपसारी विकास कहते हैं. जैव विकास के क्षेत्र में अनुकूली विकिरणों की धारणा सबसे पहले एच एफ ओसबोर्न ने सन 1898 में ये लाए थे. अनुकूली विकिरणों के प्रमाण के रूप में प्राय गैलापागोस में पाई जाने वाली जो डार्विन फिंच हैं और स्तनियों में जो पैरों की विविध संरचना है तथा ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न प्रकार के मार्सुपियल्स हैं, ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं अनुकूली विकिरणों को समझाने के लिए. मीजोजोइक एरा के अंदर आदिम जो प्रिमिटिव मैमल्स थे उनके सर्वे और मोनोट्रीम्स का सर्वे स्तनधारियों के जैव विकासीय फैलाव का एक आइडिया देता है जो लगभग सीनोजोइक युग के प्रारंभ की ओर ले जाता है. मीजोजोइक युग के आदिम स्तनधारियों में न तो ज्यादा वैरायटी थी और न ही ज्यादा संख्या में थे, लेकिन स्तनधारियों के जैव विकास में इसका काफी महत्व है आदिम स्तनधारियों का. ये एक डायग्राम है जिसके द्वारा अडेप्टिव रेडिएशन इन मैमल्स के अंदर दर्शाया गया है. ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार के थेरेपसिड जैसे इंसेक्टिवोर जैसे एंसेस्टर मैमल्स के हुआ करते थे, जो अलग अलग आवासों में रहने के कारण उनमें अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट हो गए. जैसे कि स्थल पर चलने वाले जो प्राणी हैं वो वॉकिंग जैसे हाथी जैसे एलिफेंट जैसे हो गए, और जो बिल बनाकर रहने वाले प्राणी हैं बरोइंग एनिमल हैं वो फॉसोरियल जैसे मोल है छछूंदर है, ये इनमें कन्वर्ट हो गए. और जो तेज चलने वाले हैं रनिंग कार्निवोर में कन्वर्ट हो गए, और जो रनिंग हर्बीवोर हैं शाकाहारी तेज चलने वाले थे वो रनिंग हर्बीवोर जैसे डियर में कन्वर्ट हो गए, और जो पानी में तैर सकते थे वो स्विमिंग सील के बारे में और व्हेल जैसे प्राणियों में कन्वर्ट हो गए, और जो लीप कर सकते थे उछल सकते थे दोनों पैरों से एक साथ उछल सकते थे उनको लीपिंग कंगारू के जैसे एनिमल्स हो गए, जो पेड़ों पर चढ़ सकते थे उनको आर्बोरियर क्लाइंबिंग जैसे स्क्वायरल में कन्वर्ट हो गए, और कुछ प्राणी जो है ना उड़ सकते थे पक्षियों की तरह, ऐसे स्तनधारी जो पक्षियों की तरह उड़ सकते हैं वो फ्लाइंग बैट के जैसे एनिमल हो गए, और कुछ आर्बोरियल ग्लाइडिंग यानी आर्बोरियल पर भी ग्लाइडिंग करना ये कुछ फ्लाइंग स्क्वायरल जैसे है उनकी उनमें कन्वर्ट हो गए, कुछ आर्बोरियल हैंगिंग स्लॉथ में कन्वर्ट हो गए. इस प्रकार से ये अलग अलग आवासों में रहने के कारण एक ही जनक पैतृक जनक एंसेस्टर से और इतने विविध आवासों में रहने के कारण नई नई प्रजातियां बन गई, अलग अलग भिन्नता इतनी ज्यादा हो गई कि वो सभी कहने को तो सभी मैमल्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा भिन्न हैं. तो इस प्रकार के डेवलपमेंट को इवोल्यूशन को अडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं. अगर इसका अपोजिट होता है डाइवर्जेंट का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इन मैमल्स. कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्राणी हैं वो एक ही आवास में रहने के कारण उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी पैदा हो जाती है,
डेवलप हो जाती है। सिमिलरिटी के कारण वो एक जैसे लगते हैं लेकिन वो उनकी प्रजाति भिन्न होती है। तो ऐसे इवोल्यूशन को जिसमें विविधता के भिन्न भिन्न प्रजातियों का मॉर्फोलॉजिकली एक हो जाना एक आवास में रहने के कारण कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लेसेंटल मेमल्स और मार्सुपियल मेमल्स की बात करें, कंपेरिजन करें, तो बरोइंग दोनों में ही बरोइंग होते हैं। जैसे मोल तो होता है प्लेसेंटल और मार्सुपियल मोल होता है ये मार्सुपियल होता है, मेटाथीरियन होता है। एंटीटर की बात करें तो ये लेसर एंटीटर होता है और ये नंबेट एंटीटर होता है दोनों में। और ये माउस की बात करें तो ये माउस जो है प्लेसेंटल मेमल है और ये मार्सुपियल माउस जो है वो ऑस्ट्रेलियन मेमल है। क्लाइंबर की बात करें तो लीमर एक प्लेसेंटल मेमल होता है और स्पॉटेड सस्कस जो है वो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल मेमल होता है। इन दोनों में काफी समानता है। ये दोनों ही ग्रुप में और आगे तक इस प्रकार के ग्रुप हैं, तो इन दोनों ही का कंपैरिजन करने पर पता चलता है कि दोनों लगभग एक जैसे हैं लेकिन ये भिन्न भिन्न प्रजाति हैं, अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं लेकिन एक आवास में रहते हैं इसलिए इनमें सिमिलरिटी पैदा हो गई। इसे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। अगर इसमें एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल में देखें तो मेमल्स का विकास जुरासिक युग में जब डायनासोर इस धरती पर हुआ करते थे तब हुआ, और उसके बाद क्रिटेशियस में उनका ज्यादा कोई विकास नहीं हुआ। टर्शियरी युग के अंदर सीनोजोइक युग जब प्रारंभ हो गया तो उसके बाद मेमल्स खूब फले फूले क्योंकि उनको उनके परवक्षी मर चुके थे। मीजोजोइक स्तनधारी जो है वो ट्रायसिक जुरासिक और क्रिटेशियस के समय लंबे समय अंतराल में जिए, आदिम स्तनधारियों की एक प्राइमरी लाइन के रूप में जिए और उन्होंने एक प्राइमरी लाइन को स्थापित की जिसे एंसेस्ट्रल मेमल्स कहते हैं, जो बाद में स्तनधारियों के विकास के लिए शुरुआत हुई। वहां से स्तनधारियों के विकास को हम तीन फेजेस में बांट सकते हैं, एक तो लेट ट्रायसिक और जुरासिक पीरियड, और दूसरा क्रिटेशियस पीरियड, और तीसरा मीजोजोइक एरा। मेमेलियन रेडिएशन के प्रथम चरण में स्तनधारियों के पांच ऑर्डर्स स्थापित हुए, उनको उनका नाम था डोकोडोंटा, ट्राइकोनोडोंटा, सिमिट्रोडोंटा, पेंटोथीरिया और मल्टीट्यूबरक्यूलेटा। इस प्रकार अगर हम उनकी एडेप्टिव रेडिएशन देखें, उनका एंसेस्ट्रल एक ग्राफ देखें, तो ये इनके थेरेप्सिड जैसे एंसेस्टर थे, उनके पूर्वज थे। उस थेरेप्सिड से पांच शाखाएं निकली, एक तो इधर ये मल्टी ट्यूबरक्यूलेट हो गए, एक से ट्राइकोनोडोंट हो गए, एक से डाइकोनोडोंट हो गए, एक से पेंटोथीरोस हो गए और एक से सिमिट्रोडोंट हो गए। तो सिमिट्रोडोंट तो जुरासिक युग के अंदर ही पैदा होते ही वो नष्ट हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। उसके बाद में दूसरे ट्राइकोनोडोंट जो है जुरासिक युग में जिए और क्रिटस युग तक जिए और क्रिटासियस युग के अंदर आते आते वो समाप्त हो गए, सारे एक्सटिंक्ट हो गए। उसके बाद में मल्टी ट्यूबरक्यूलेट्स जो थे वो क्रिटेशियस में जिए, पूरा क्रिटेशियस युग जिए उन्होंने, और उसके बाद सीनोजोइक एरा तक आते आते वो समाप्त हो गए। इसके बाद में डाइकोनोडोंट जो थे वो उनसे वो आज भी मौजूद हैं, वो मोनोट्रीम्स या प्रोटोथीरिया के रूप में मेमल्स के रूप में मौजूद हैं। और उसके बाद में पेंटोथीरोस जो थे उनसे मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल दो शाखाएं बन गई, मार्सुपियल से मेटाथीरियन बन गए और प्लेसेंटल से यूथीरियन बन गए। इस प्रकार से ये माना जाता है कि मेमल्स का इन पांच शाखाओं से विकास हुआ है। मेमेलियन रेडिएशन के द्वितीय चरण में मीजोजोइक एरा के सभी ऑर्डर्स डाइकोनोडोंट के अलावा वो लगातार उनमें विकास होता रहा और प्रारंभिक क्रिटेशियस और ट्राइकोनोडोंट, सिमिट्रोडोंट और पेंटोथीरियन विलुप्त हो गए और बाकी सिर्फ ये दो ही बचे। ऐसा माना जाता है कि मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मेमल्स का विकास पेंटोथीरियन ऑर्डर से हुआ है जो कि प्रारंभिक क्रिटेशियस युग में पाए जाते थे। इस दौरान मल्टीट्यूबरक्यूलेट्स स्तनधारी अपने विकास की चरम सीमा पर विकसित हो रहे थे और स्तनधारियों के विकरण की तीसरी और अंतिम अवस्था में मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल्स अपने विकास की चरम सीमा पर विकसित हुए और मल्टीट्यूबरक्यूलेट्स जो है वो विलुप्त हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। मोनोट्रीम्स जो मेमेलियन हिस्ट्री में सीनोजोइक युग के अंदर माने जाते हैं, संभवतः तीनों कालों में इनका अस्तित्व रहा। स्तनधारियों में जो सीनोजोइक युग का जो विकिरण है वो अति बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस दौरान टेट्रापोड्स विभिन्न लाइनों में विकसित हुए। ओसबोर्न ने ये बताया, ओसबोर्न के एडेप्टिव रेडिएशन के अनुसार बड़े और विविध भूमंडलों और विभिन्न मिट्टियों और विभिन्न जलवायुओं और विभिन्न वनस्पतियों के साथ रहने वाले जो स्तनधारी हैं उन्होंने विविध प्रकार का जंतु जात उत्पन्न किया, विविध प्रकार की फौना उत्पन्न किया, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां उत्पन्न करी।
बड़े क्षेत्रों पर विखराव के कारण और विविध परिस्थितियों में रहने के कारण इन स्तनधारियों में ग्रेटर वैरायटीज उत्पन्न हुई। ग्रेटर वैरायटीज के उत्पन्न होने से उनमें विभिन्न प्रकार की स्पीसीज, नई स्पीसीज का निर्माण हुआ और उनमें इवोल्यूशन होता चला गया। आदिम स्तनधारियों के बनने के बाद आज तक इनके टांग, पैर और दांतों के अंदर अनुकूलन तेजी से हुए हैं। इसके निम्न कारण हैं, एक तो भोजन की आवश्यकता और एक आश्रय या सुरक्षा की आवश्यकता। ये दो कारणों से इनके टांगों के, पैरों के, दांतों के विकास में बहुत अनुकूलन तेजी से हुए, एडेप्टेशन हुए तेजी से। ये एडेप्टिव रेडिएशन इन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें मेटाथीरियंस के अंदर एडेप्टिव रेडिएशन बताए गए हैं कि मेटाथीरियंस किस प्रकार से, नॉट यूथीरियंस, मेटाथीरियंस जो मार्सुपियल एनिमल्स हैं उनके अंदर किस प्रकार से एडेप्टिव रेडिएशन हुई। ये एंटीटर, इस प्रकार के आंट खाने वाले एंटीटर हो गए, फ्लाई करने वाले फ्लाइंग स्क्वायरल जैसे फैलेंजर हो गए, और कोआला पेड़ों पर रहने वाले और शाकाहारी कोआला हो गए, नेटिव कैट कंगारू, और ये तस्मानियन वॉल्फ, ये मोल, ये बॉम्बैट और ये माउस। इस प्रकार से इनमें मार्सुपियल्स में भी ये जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन या एडेप्टिव रेडिएशन पाया जाता है। निम्न चार अवस्थाओं का सबसे पहले इनमें जो आवास थे उन चार आवासों में इनका विकास हुआ, जमीनी सतह के ऊपर और जमीनी सतह के नीचे, हवा में और जल के अंदर, ऑन द ओवर द ग्राउंड। ओवर द ग्राउंड जो मेमल्स थे वो कर्सोरियल अडेप्टेशन में डेवलप हो गए। प्रिमिटिव मेमल से चार शाखाएं जो इसमें दिखाई गई चित्र के अंदर, प्रिमिटिव से ये चार शाखाएं ओवर द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड, इनटू द एयर और इनटू द वाटर। प्रिमिटिव मेमल से चार शाखाएं बनी। ओवर द ग्राउंड जो थे, जमीन के ऊपर थे, उनसे कर्सोरियल अडेप्टेशन होने के बाद में तेज दौड़ने वाले हो गए। अंडर द ग्राउंड थे, वो बिल बनाकर रहने वाले मेमल्स हो गए, स्तनधारी हो गए। और इनटू द एयर, हवा में उड़ने वाले जैसे फ्लाइंग स्क्विरल है, बैट है, ये इनसे फ्लाइंग ये बन गए, रियल मेमल्स बन गए। और जल में रहने वाले जो एक्वेटिक मेमल्स हैं उनके अंदर सील है, डॉल्फिन है और व्हेल है, ये स्तनधारी बन गए। इन्हें प्राथमिक अनुकूली विकिरण कहते हैं। सबसे पहले जो चार बने उनको प्राथमिक अनुकूली विकिरण, इन चार से फिर आगे जो फैलाव हुआ उनको फिर सेकेंडरी रेडिएशन कहेंगे। इसके बाद में विकसित होने वाली जो किरणें हैं उनको सेकेंडरी कहेंगे। संसार में तीन प्रमुख क्षेत्र, अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में टर्शियरी युग के अंदर स्तनधारियों के प्रमुख ये क्षेत्र रहे और ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। इसलिए निष्कर्ष के रूप में अंत में हम ये कह सकते हैं कि जंतुओं में भोजन ढूंढने, सुरक्षा हेतु आश्चर्यजनक प्रत्यास्थता पाई जाती है, उनमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, अडेप्टेबिलिटी पाई जाती है नए एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए, जिससे उनके अंदर अनुकूली विकिरणों का विकास होता है। स्तनधारियों में भी ये सुरक्षा के लिए पैर, टांग और भोजन चबाने के लिए दांतों की अडेप्टेबिलिटी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की अनुकूली विकिरणों का विकास हुआ। इस प्रकार से स्तनधारियों में अनुकूली विकिरण खत्म समाप्त हुआ। धन्यवाद।